फ्रेंड्स, मेकअप एंड ब्यूटी वर्ल्ड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ये वाला लुक। ये लुक ग्रीन स्मोकी आई लुक है विद रेड लिप्स। आप किसी भी ग्रीन कलर के आउटफिट लाइक साड़ी, गाउन, सूट, किसी भी ड्रेस के साथ आप पहन सकते हैं। ये लुक बहुत ज़्यादा इजी है, सिंपल है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो इसे बिग लाइक दीजिएगा। साथ ही अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो माय नेम इज़ जागृति और आप देख रहे हैं क्विंस मेकअप एंड ब्यूटी वर्ल्ड, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कीजिए। अदरवाइज जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको नोटिफाई नहीं होगा। तो अच्छे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और देखते हैं कि ये लुक मैंने कैसे अचीव किया, और अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर के जरूर जाइएगा। साथ ही आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको ये लुक कैसा लगा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज एंड प्राइम कर लिया है। इसके बाद मैं मूव ऑन करूंगी बेस की तरफ। तो मैं बेस के लिए यूज़ कर रही हूँ लैक्मे की तरफ से मूस फाउंडेशन। ये लैक्मे का मूस फाउंडेशन है, चलिए इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको अप्लाई करूंगी अपने पूरे फेस पे। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, और कंसीलर के लिए मैंने यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस कंसीलर। इसके बाद फ्रेंड्स, अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद गाइज, हम मूव ऑन करेंगे आई मेकअप की तरफ, और उसके स्टार्टिंग करूंगी मैं आईब्रोज से। तो सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूंगी, और इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पेंसिल। आई शेडो अप्लाई करने के लिए मैंने अपने आईज के दोनों आउटर कॉर्नर पे टेप लगा लिया है, जिससे कि आई शेडो काफ़ी वेल डिफाइंड होगा, काफ़ी अच्छे से शार्प आएगा उसका लुक। और उसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड का पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और उसमें से ट्रांजिशन शेड दे करके मैं अपने पूरे आईलिड पे अप्लाई करूँगी। मैं ये कलर बार का जेल आईलाइनर यूज कर रही हूँ, जिसका शेड नंबर है इनवेल्ड 4, और इसको रफली मैं अपने पूरे आईलिड पे क्रीज पे अप्लाई कर लूंगी। जस्ट एक रफली मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद गाइस, मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश लेकर के इसको अच्छे से अप्लाई कर लूंगी, स्प्रेड कर लूंगी अपने पूरे आईलिड पे। मैंने जस्ट ग्रीन स्मोकी आई के लिए यहाँ पे एक बेस प्रिपेयर किया है। उसके बाद नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ मेकअप रिवॉल्यूशन का ये पैलेट, और इसमें से मैं ये ग्रीन शेड मैं पिक करूंगी, और इसको मैं अपने पूरे आईलिड पे अप्लाई कर लूंगी। गाइस, मैं थोड़ा सा ब्लैक शेड लूंगी और इसको अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर लूंगी, जस्ट टू क्रिएट अ स्मोकी लुक। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का लिक्विड आई शेडो। ऑलरेडी मैंने इसका भी रिव्यू अपने चैनल पे कर दिया है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि काफ़ी इंटेंस एंड खूबसूरत सा शेड निकल कर आया है, और इसको अप्लाई करने के बाद आपको सेकेंड्स तक इसको ड्राई होने दीजिए। गाइस, मैं यूज़ कर रही हूँ मैच लुक का जेल आईलाइनर, तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। उसके बाद गाइस, अपने लोअर लैश लाइन पे मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ कलर बार का।
और उसके बाद मैं सेम कलर बार का ग्रीन आई पेंसिल लेकर के अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लूँगी कि वो जो हमारी अपर और लोअर लैश लाइन है वो सेम लुक क्रिएट करेंगी। इसके बाद मैं अपने दूसरे साइड का मेकअप करूंगी और उसके बाद मैं फॉल्सीज अप्लाई करती हूँ और उसके बाद आगे का मेकअप मूव ऑन करेंगे। बाद गाइस मैं मस्कारा यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का। और आईज मेकअप कंप्लीट हो गया है। चलिए अब इस टेप को रिमूव करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा मेकअप काफी ज्यादा अच्छा आया है। फ्रेंड्स मेबलिन का ब्लश यूज कर रही हूँ मैं। और नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर और हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर। उसके बाद लास्ट में मैं यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक और लिपस्टिक के लिए मैंने यूज़ किया है लॉरियल की लिपस्टिक और इसका शेड नंबर है प्योर गार्नेट, सॉरी शेड नेम है प्योर गार्नेट एंड शेड नंबर इज 263। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स हमारा मेकअप कंप्लीट हो गया है और इस अमेजिंग मेकअप को सील करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का मेकअप सेटिंग स्प्रे। तो ये रहा हमारा मेकअप सेटिंग स्प्रे, इसको मैं शेक कर लूँगी और इसके बाद मैं इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी तो हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा और काफ़ी देर तक टिका रहेगा। तो ये था हमारा आज का लुक। चलिए अब इसका फाइनल लुक देखते हैं।